नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि मनीष कश्यप का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी मनीष कश्यप के केस को। लेकिन आज सोमवार के दिन मनीष कश्यप के केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है, उस पे फैसला करने से मना कर दिया है और मनीष कश्यप के वकील को कुछ बोला है। अब ये क्या बोला है जरा सा हम उस पे ध्यान करेंगे। आपको पता ही होगा अभी मनीष कश्यप के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले जब मनीष कश्यप फंसे थे इन सभी केसेस में, जैसे कि फेक वीडियोस को वायरल करना, गलत न्यूज प्रसार करना, ये सब में फंसे थे ना, तो सबसे पहले बिहार सरकार ने पूछताछ करी थी। फिर उसके बाद तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मैटर था, इसीलिए तमिलनाडु से पुलिस बिहार आई और कोर्ट से इजाजत लेकर के गई लेकर के तमिलनाडु। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर ही है। लेकिन ले जाने के बाद, अवधि पूछताछ की समाप्त होने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया। अब एनएसए एक भयंकर कानून है जो कि बहुत दुखदाई होता है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा कभी। लेकिन अब एनएसए लगाने के बाद मनीष कश्यप का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी लेकिन आज मना कर दिया सुनने से, बोला कि अब हम नहीं सुन सकते हैं, इसको हम खारिज करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप इसी केस को चाहे तो लेकर के जाइए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से जो भी अपना मांगना है, जैसे कि याचिका में तीन मांगे रखी गई थी मनीष कश्यप की ओर से। पहली मांग थी मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में जितने भी केस हैं सबको एक साथ क्लब कर देना, मनीष कश्यप को रेगुलर बेल मिल जाए, इसके लिए था। और तीसरा डिमांड था वो था कि तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटा दिया जाए। अब इस तीनों डिमांड को पूरा करने के लिए मनीष कश्यप के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए और वहां पे यही डिमांड रखिए और हाई कोर्ट आप पे फैसला करेगी जो भी करना होगा। आप लोग अपना अपना विचार बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।